Welcome RCI online classes. Dear students, our physics class. Next topic, electric potential due to charge non-conducting. इसका third जो point है, third point है, at a point inside the non-conducting sphere. Non-conducting sphere के inside जो electric potential है, वो calculate करेंगे. तो पहले diagram को देखते हैं. ये आपका non-conducting sphere है. Non-conducting sphere, उसमें जो charge है, वो कहाँ है? अंदर की तरफ है. Let us consider इसकी जो radius है, non-conducting sphere की, वो capital R है. और जो point है, वो inside है. Let us consider ये point यहाँ पे है. और ये इसकी distance है, जो small r है. ये center है. ये इसका charge. ठीक है? मैंने कहा है कि नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे स्फेरिकल सेल हो, सभी में क्या होता है, इनफिनिटी से चार्ज आएगा. तो पहले सरफेस पे आता है और सरफेस से फिर वो इनसाइड आएगा. इनसाइड की ये कंडीशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ई और बी का रिलेशन लिख लेते हैं. तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ई एंड बी. सो वी नो दैट बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नेगेटिव इंटीग्रेशन इस रिलेशन का यूज करके हम इनसाइड जो है वहां पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. सो वी इन, जैसे वी इन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होकर इसकी कैलकुलेशन होगी. एक तो होगी इन्फिनिटी से कैपिटल आर के लिए और एक होगी कैपिटल आर से स्मॉल आर को. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव. पहले तो इंफिनिटी से कैपिटल आर पे आएगा. तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आएगा, आउट वाला, क्योंकि इंफिनिटी से आर पे आ रहा है, इनटू डीआर. ठीक है, और एक नेगेटिव साइन कैपिटल आर से स्मॉल आर पे आएगा. तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड, इनटू डीआर. लिमिट समझ में आई क्या? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो आपका यहां से जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टू नोट, जो टेस्ट चार्ज है वो पहले इन्फिनिटी से कहाँ आएगा, इसके सरफेस पे आता है और सरफेस के बाद फिर इनसाइड आएगा. तो पहले लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और सेकेंड हो जाएगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर. वी आउट, वी नो दैट वी आउट, सॉरी ई आउट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. वी नो दैट, देखो सेकंड चैप्टर में हमने कैलकुलेशन कर रखी है आउट की, वो आता है आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, और ई इन क्या होता है, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वो आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू. ये दोनों ही आपको याद रखने हैं. ठीक है, इसको जैसे इक्वेशन फर्स्ट, तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज एंड दीज इक्वेशन एंड देन वी कैन कैलकुलेट इनसाइड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ओके, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा. सो वी इन इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square into dr and negative sign capital R to small r 1 upon 4 pi epsilon naught q into small r upon r cube into dr. Clear? क्या किया हमने, e out की और e in की value substitute कर दी और value substitute करके इसको solve कर दिया. ध्यान दें तो यहाँ पर जो भी common है जिसके respect में integration हो रहा है वो तो अंदर रह जाएगा, बाकी सभी कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, वो सारे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे. तो देखिए इन कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेके आते हैं, यहां से कनेक्ट कर देता हूं इसको. तो बताओ यहां से क्या कॉन्स्टेंट है, तो v in इज इक्वल टू, यहां से कॉन्स्टेंट है नेगेटिव q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल r, और यहां से आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू डीआर एंड नेगेटिव. यहां से क्या कॉमन है, एक तो क्यू कॉमन है अपॉन 4
एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही अंदर है, वन अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है डीआर के एस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये अंदर, आर यहाँ से आर है वो अंदर है बाकी सब कॉन्स्टेंट। ठीक है इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर देखो वी इन इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने बहुत किया है, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ नेगेटिव वन अपॉन आर लिमिट इनफिनिटी टू कैपिटल। ठीक है एंड नेगेटिव साइन क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कॉमन। ठीक है इंटीग्रेशन करो आर का इंटीग्रेशन, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर स्क्वायर, अरे भाई इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आर स्क्वायर बाय टू और लिमिट क्या आ जाएगी कैपिटल आर इसको लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सो वी इन इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव वन अपॉन आर एंड पॉजिटिव वन अपॉन इनफिनिटी एंड माइनस क्यू अपॉन ये ऐसे जैसे और पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है कैपिटल आर क्यू और यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू एंड नेगेटिव साइन कैपिटल आर स्क्वायर बाई क्लियर है लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो वन अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा ये जीरो हो गया और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो वी इन आपके पास आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहां से देखो नेगेटिव वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू और यहां से आपके पास है आर स्क्वायर अपॉन टू एंड माइनस आर स्क्वायर वाई। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं अच्छा ये जो आर स्क्वायर है इसको अंदर लेके जाए तो क्या ले रहे बेटा मैं इसको यहां से रख कर देता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया होगा एक अप्रोच करके अच्छे से देख लो कहीं पर भी आपको लगे कोई दिक्कत है तो आप चेक करके पूछ सकते हैं। ठीक है अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं आगे देखिए तो मैं इसको यहां से रख कर दिया सो वी इन इज इक्वल टू देखिए यहां से आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर ठीक है एंड नेगेटिव वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू है ये आर क्यू अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाय टू आर क्यू। ठीक है और यहां से नेगेटिव आर स्क्वायर कैपिटल अपॉन टू कैपिटल आर क्यू तो दिक्कत देखो ये आर क्यू अंदर लेके गए कुछ नहीं किया अच्छा जी यहां से आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा वी इन इज इक्वल अच्छा देख के बताओ यहां से क्या कॉमन है q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन है इसमें इसमें तो q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो हमने कॉमन ले लिया तो यहां से आ गया वन अपॉन आर यहां से वन अपॉन आर और यहां से ये नेगेटिव साइन। ठीक है और यहां आपके पास है आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू और ये नेगेटिव यहां से आ गया आपके पास वन अपॉन टू आर नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा वी इन इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। देखो थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है अच्छे से समझते हैं चलो एक एक स्टेप पे नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो आपके पास आ जाएगा वन अपॉन आर प्लस नेगेटिव आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू और यहां से आ जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव प्लस वन अपॉन टू आर। ठीक है कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहां से एलसीएम बताइए क्या आएगा सो वी इन इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एलसीएम क्या आ जाएगा आर टू आर क्यूब और टू आर। एलसीएम के दो तरीके हैं मैं बता दूं आपको
एक तो ये है कि जिस पर जो है जो भी आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में है उसको छोड़ के ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो जाए। जब इस पे अगर अपन को कुछ लगाना है ये दोनों मल्टीप्लाई और इस पर, या फिर सिंपल अपन एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ एक तो टू है एक आर टू, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा टू आर टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर है और हमने एलसीएम ले लिया टू आर क्यू, तो यहाँ बचेगा आपके पास टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि टू आर क्यू भी एलसीएम और टू आर क्यू इसके नीचे है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ टू आर है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, दो से तो ये तो हट जाएगा, आर है तो आर एक कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा वो इधर आ जाएगा। हाँ जी बताओ, यहाँ से कैलकुलेशन है तो अब आपके पास आ जाता है फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, तो वी इन आ जाएगा, वी इन इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा थ्री आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर एंड अपॉन टू आर क्यू। ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा सेंटर पे कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेंटर, और सेंटर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं जीरो, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो ये स्मॉल आर जीरो करेंगे क्या आ जाएगा in is equal to q upon 4 pi epsilon naught, और जब इसको जीरो करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3 r square upon 2 r cube, तो मतलब क्या कैंसिल हो r square से r cube कैंसिल, तो यहां पे in is equal to आपके पास आ जाएगा 3 by 2 1 upon 4 pi epsilon naught q upon, यहां से क्या बच गया r, ये किसकी वैल्यू है, ये सरफेस के लिए है ना, तो v in आपके पास आ जाएगा 3 by 2 v s, तो जो आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल का कितना होगा 3 by 2 मल्टीपल, 3 by 2 मींस 1.5। ठीक है, अब अगर ग्राफ की बात करें, इसका जो ग्राफ है वो देख लीजिए आप, ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, तो हम ग्राफ बना देते हैं आर में और वी में, ग्राफ किस में ले रहे बेटा आर में और वी में, तो ग्राफ आएगा आपका इस तरह से, देखो ये जो आपके पास वैल्यू है वो इस तरह से चेंज हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम होगी आपके पास सेंटर पे, ठीक है सेंटर पे मैक्सिमम, उसके बाद जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल चलेगी वन अपॉन आर के, जो वी की वैल्यू है से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।